आज का ये वीडियो ना आपका दिमाग हिला देगा। तो मैं आपसे पूछूं कि ज्वालामुखी कौन से कलर का लार्वा निकालता है, तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे लाल और बहुत सारे कहेंगे ऑरेंज। तो मैं आपसे कहूं एक ऐसी जगह पर एक ऐसा ज्वालामुखी है जहां पर ब्लू कलर का लार्वा निकलता है, तो आप मानोगे नहीं ना। तो इस फैक्ट को आपको जानने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। अगर मैं ज्वालामुखी की बात करूँ तो दुनिया भर में बहुत सारे अलग अलग तरह के ज्वालामुखी है, उनमें से निकलने वाला लार्वा ही अलग अलग है। जैसे हम बात करें जापान और इंडोनेशिया की, वहाँ के ज्वालामुखी एक्टिव होते हैं तो केवल धूल मिट्टी के फवारे निकाल के शांत हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जो एक्टिव होने पर सिर्फ लार्वा निकलते हैं, यानी उनमें से हमेशा लार्वा निकलता है। फिर हमारा ये था कि इथियोपिया देश में एक ऐसा डेलोल नाम का ज्वालामुखी है, इसका लार्वा लाल नहीं बल्कि नीला रंग का होता है। तो अपन ने तो नीले रंग का ज्वालामुखी के बारे में सुना ही होगा, तो मैं हूँ ना, यह ज्वालामुखी ऐसा है जिसका लार्वा नीले रंग का होता है। जबकि साइंटिफिक रिसर्च ने यह बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया के कारण, यानी कि किसी रासायनिक प्रक्रिया की वजह से इस ज्वालामुखी में से नीले रंग का लार्वा निकलता है। मतलब यह ज्वालामुखी में से नेचुरल प्रक्रिया से उसका लार्वा नीले रंग का हो गया है। नीले रंग यह जब एक्टिव होता है तो नीले रंग का ही लार्वा साथ में निकालता है और साथ में नीले रंग के फव्वारे उड़ाता है। जबकि वहाँ के रहने वाले बसियों का भी यही कहना है कि ज्वालामुखी नीले रंग का लार्वा निकालता है। तो गाइज आपको ये फैक्ट देख के मज़ा आया होगा, यानी कि सुन के देख के मज़ा आया होगा। तो गाइज यार हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब करके देख लो। आपको मज़ा नहीं आए तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ओके बाय, फिर मिलते हैं हमारी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।